हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवगढ़ में 36,18,000 की लागत से नव निर्मित आईसीयू वार्ड तथा नवजात शिशु व गायक विंग का लोकार्पण, कोरोना जागरूकता दिवस में हुए शामिल। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने जागरूकता दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ में नव निर्मित आईसीयू वार्ड तथा नवजात शिशु व गायनिक विंग का लोकार्पण किया। आईसीयू वार्ड तथा नवजात शिशु व गायनिक विंग बनने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ में मरीजों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक रावत के कुशल नेतृत्व में तथा कांग्रेस बोर्ड एवं सभापति नगर पालिका देवगढ़ के सहयोग से आईसीयू वार्ड ऑक्सीजन लाइन युक्त है। नवजात शिशु व गायनिक विंग का निर्माण 10,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी, पाइप फिटिंग, वेंटिलेटर, कार्डियो मॉनिटर, सीसी सड़क निर्माण तथा एसी फिटिंग इत्यादि में कुल लागत 36,18,000 आई। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे चुनाव जीतने के बाद मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया, तब इस मांग को गंभीरता से लिया और अब आज इसका लोकार्पण किया है। गौरतलब है कि विधायक ने अल्प समय में ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्राम वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अनेकों कार्य अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर कांग्रेस की जन कल्याणकारी संवेदनशील सरकार से स्वीकृत करवाए हैं, जिनमें उल्लेखनीय भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीएमओ में क्रमोन्नत करना तथा छापली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करना और भोजा ठाकुर का बाड़िया बोरवा तथा डेलरा मार्ग में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति है। इसके अलावा 43 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ वेलनेस तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा वितरण के 5 काउंटर का निर्माण नेशनल हेल्थ मिशन मद से कराया। गौरतलब है कि पिछले 15 साल से भाजपा के कुशासन में चिकित्सा विहन स्वास्थ्य केंद्रों में 14 चिकित्सकों की नियुक्त कार्रवाई तथा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे अरसे से रिक्त पड़े 87 ANM नर्स ग्रेड 2, GNM मेल नर्स प्रथम, वार्ड बॉय, प्रासविका, सूचना सहायक आदि के पदों को भराया। इसके अलावा ग्राम पंचायत बगड़ पीपली नगर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। अब ग्रामीण वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तथा और बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो इसके लिए विधायक रावत प्रत्यनशील है। विधायक ने अपील की कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि सरकार द्वारा जारी COVID-19 के दिशा निर्देशों का अक्षरत पालन करें, मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। लोकार्पण के समय डॉक्टर महावीर प्रसाद BCMHO, डॉक्टर अनुराग सिंह प्रभारी, अन्य स्टाफ, कृष्ण गोपाल अधिशाषी अधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवगढ़ तथा अग्रिम कांग्रेस संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक भी शामिल रहे। इस अवसर पर नगर पालिका की तरफ से विधायक ने 500 मास्क वितरण किए। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।